रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशाबाद होंगे। तो आज हम ये मैं तैयार शहर नज़र आ रही हूँ इतनी सुबह, तो आज हमारी कहाँ की तैयारी मैं आपको बताती चलूँ। इतनी सुबह सुबह का टाइम है और हम निकल रहे हैं कराची के लिए। कराची क्यों जा रहे हैं ये भी बताती चलूँ। आज फातिमा माशाल्लाह एक साल की हो गई है। आज 28 अगस्त है, तो इस्लामी तारीख से अगर देखा जाए तो फातिमा 8 मुहर्रम को एक साल की हो गई थी, लेकिन अंग्रेज़ी तारीख से देखा जाए तो आज फातिमा 1 साल की हो गई है। तो बहरहाल आज हम निकल रहे हैं कराची के लिए। रात को बहुत देर हो गई सोने में, क्योंकि हमने तमाम गिफ्ट्स घर में पैक किए, किसने क्या क्या देना है, तो वो आज का व्लॉग आपको मिस नहीं करना है। आज हम सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं कराची के लिए बहरहाल, तो चलिए चलते हैं और आपको वहाँ ज्वाइन करेंगे। मैं तमाम गिफ्ट दिखा रही हूँ जो कि हमने रात को पैक किए हैं, और किसने क्या क्या दिया है ये वहाँ चल के हम आपको ज़रूर बताएँगे। और आपको रहना होगा साथ, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ख़ास है और आज को आप लोग आपको मिस नहीं करना। तो चलिए निकलते हैं कराची के लिए और इंशाल्लाह रास्ते में आपको ये देखिए मैंने बैग में सिर्फ एक ही सूट रखा है, क्यों कि मुझे रहना नहीं है, वापस आना है सुबह ही, क्योंकि रात ज़्यादा हो जाएगी तो रात को नहीं आ सकते। तो चलिए निकल रहे हैं। अभी फातिमा के लिए चीज़ें भी लेनी है, मुझे क्या क्या फातिमा खाती है मुझे मालूम है। तो अब निकल रहे हैं कराची के लिए, चलिए चलते हैं, अब मैं आपको वहाँ ज्वाइन करूँगी। हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं कराची के लिए, तो मैं रास्ते में इंशाल्लाह आपको ज़रूर ज्वाइन करूंगी। तो चलिए चलते हैं। तो हम गाड़ी में हैं इस वक्त और कासिमाबाद से निकल चुके हैं, ये देखें। यहाँ हम कराची पहुंच चुके हैं और ये आखिरी कराची का गेट आ चुका है, तो हम लोग सिर्फ अब घर तक का जो रास्ता रह गया है वो है 20 मिनट का, और अब हम घर पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए हम सदर पे उतरेंगे और बस अब रक्षा करेंगे यहाँ से और घर पहुंचने ही वाले हैं। तो अब आपको हम करेंगे ज्वाइन घर पे, तो चलिए चलते हैं। हम लोग यहाँ आ गए हैं और खाना खाया, कुछ देर रेस्ट किया है, उसके बाद अब मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। ये तैयारी कर रहे हैं शाम के लिए, क्योंकि शाम को 4 बज रहे हैं और तैयारी करते करते 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। और अब मैं जो गिफ्ट लेकर आई हूँ वो अभी हम आपको खोलते हैं और दिखाते हैं, और जैसे जैसे ये देखिए। अच्छा मैं ये बताती चलूँ, फिज़ा ने घर में ख़ुद बनाया है, फातिमा की तमाम पिक्स लगाई हैं, ये देखिए। हाँ हम अपना जो गिफ्ट लेकर आई हूँ खोलने लगे हैं, तो आपको दिखाएंगे अभी। तो ये था आपके लिए सरप्राइज़ जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, और हल्के हल्के वो जो और गिफ्ट्स लेकर आए वो भी दिखाएंगे। जो गिफ्ट लेकर आई थी तो वो मैंने फातिमा की ये पिक्स बनवाई है, ये देखिए। और अभी जो भी गिफ्ट्स हम खोलेंगे तो वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी और भी मेहमान आएंगे, अभी सिर्फ हैदराबाद से हम लोग आए हैं, ये देखिए। अभी मिलजुल के ये जो बच्चों ने सेटिंग की माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त की है, ये देखिए। तो जब केक कटेगा तो जब भी आपको ज्वाइन करेंगे, और इंशाल्लाह डिनर पे भी। बिल्ली आ गई, बिल्ली बिल्ली बिल्ली।
का केक आ गया है। और सारे बच्चों की बनाओ जी जी और किसी और को भी बनाओ। केक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया, जबरदस्त। फातिमा के गिफ्ट है सारे, रखो मरियम दो गिफ्ट, हाँ बस रख लो इधर। ये वाली प्लेट में समेटूं तुम तो साफ सुथरी प्लेट है। खाना लग चुका है और यहाँ कराची में तेल वाली बिरयानी होती है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छी बनी हुई बिरयानी, बहुत ही टेस्टी बिरयानी। हमने तमाम गिफ्ट्स खोल लिए हैं, मैंने आपको अपना गिफ्ट दिखा दिया था, पैन एंड ब्रश पे मैंने फातिमा की पिक्स बनाई है और ये देखिए ये जो मेरे देवर हैं उन्होंने ये दिए और ये भी गिफ्ट फातिमा का है। और एक जो छोटा सा हम डब्बे में ही पैक की जो खोली हमने तो ये एक दुरानी ने हमारी देवर ने ये दिए और ये फातिमा के चाचू लेकर आए। माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया। तो ये हैं फातिमा के गिफ्ट्स जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग था, तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, साथ में कीजिएगा कमेंट, मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतज़ार। तो आज हम लोग रात कराची में ही रुक गए हैं और इंशाल्लाह सुबह में निकलेंगे। तो आज का व्लॉग मैं अभी अपलोड करा दूँगी आपको और इंशाल्लाह कल का नए व्लॉग के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।